नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफ़र में मैं याशु गांधी। और जैसा कि ये समय होता है हमारे सेशंस का, अलग अलग विषय को लेकर हम हर दिन हर घंटे आपके पास आपके साथ आते हैं, अपने जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हमारे शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए भी अलग अलग तरीके के कार्यक्रम को लेकर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो है साइंस क्लास 10। और जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसे हमें विस्तार से समझाने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी जो विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, आइए सबसे पहले आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि मल्होत्रा। मैम, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। Good afternoon, ma'am. Thank you so much for inviting me and greetings of the day to all the audience here. Very good afternoon. Thank you, ma'am. तो मैम के साथ हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसे पढ़ें, उसे समझें। उससे पहले खास बात, अगर आपके पास हमारे नंबर्स नोट हैं तो आप उनके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर नहीं है तो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उसको सेव करें, पेन डाउन करें और करें हमसे संपर्क। विषय से जुड़ी हुई अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उसका आंसर जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई अगर कोई भी बात आप साझा करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे ईमेल के माध्यम से हमसे, हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। ईमेल का जो एड्रेस है वो भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं सेशन की शुरुआत। मैम, ओवर टू यू। हमारे क्लास 10 के बच्चों को आज इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या और किस तरीके से समझाने वाली हैं? ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे मैम ने अभी इंट्रोड्यूस किया, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर है। इससे पहले हम पढ़ चुके होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पिछले चैप्टर्स में, और साथ के साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने पढ़ा होता है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री ऑफ साइंस में देखें, पिछले सेंचुरीज में जाएं, तो इस एक फिनोमिना को समझने के बाद, इसकी डिस्कवरी के बाद, बहुत मेजर मेजर टर्निंग पॉइंट्स हमारी हिस्ट्री ऑफ साइंस में देखने को मिले। बहुत मेजर टेक्नोलॉजीज डिस्कवरीज इसको जानने के बाद की गई। और सबसे बड़ी बात होती है साइंस में ऑब्जर्वेशंस। हम जो भी बातें कहते हैं उसको हम बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आसपास की जिंदगी में, अपने सराउंडिंग्स में या फिर लेबोरेटरी में जाकर। तो ये जो हमारा चैप्टर है, खासकर ये जो टॉपिक है, इसको ऑब्जर्व कर पाना बहुत आसान है, इसलिए भी ये टॉपिक हमारा खास हो जाता है। अगर हम बात करें तो आज के इंटरेक्शन में कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैग्नेट्स होती क्या है, इस पर तो हम बहुत पहले से बचपन से हम मैग्नेट्स के साथ खेलते ही आ रहे हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड उसके बाद जो सबसे खास बात है कि करंट कैरिंग कंडक्टर वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है अपने आसपास, इसकी बात करेंगे हम। स्ट्रेट कंडक्टर्स, सर्कुलर लूप एंड सॉलोनॉइड की बात करेंगे। उसके बाद अगर फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स किस तरह की होती है, किस डायरेक्शन में काम करती है, इनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में हम आज के इंटरेक्शन में बात करने वाले हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं मैग्नेट से। तो मैम आप भी जानती हैं बचपन से हम लोग मैग्नेट्स के साथ बहुत खेला करते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कोई आयरन नेल हो गया, पेपर क्लिप हो गया, कॉइन हो गया, उसको हम चिपकाने की कोशिश करते हैं। रेफ्रिजरेटर पर भी हम मैग्नेट्स लगाते हैं और ये भी हम करते हैं, दो मैग्नेट को आसपास लाने की कोशिश करते हैं तो कभी तो वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होती है और कभी ये भी होता है कि एक दूसरे से दूर भागने लगते, थोड़े से दूर भागने लगते हैं। बच्चों के लिए तो गेम ही होता है ये। और जहाँ तक गेम की बात है तो अल्फाबेट्स भी, जो आपने कहा ना फ्रिज में भी चिपकाते हैं, तो अल्फाबेट्स भी उस तरीके से आते हैं कि आप उसको किसी भी सरफेस में, इस तरीके की किसी सरफेस में, फ्रिज में उसको आप लगा सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत ही बच्चों के खेलने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है कि एक मैग्नेट के पास हम दूसरी मैग्नेट को लाएं, किसी और मटेरियल को लाएं, तो कभी तो वो आपके आसपास चिपकने लगती है और कुछ मैग्नेट कई बार जो है वो एक दूसरे से दूर भी भागने लगते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कुछ फोर्स है जो एक मैग्नेट अगर हम लाएं तो उसके पास दूसरी मैग्नेट अगर ले आए तो उसके ऊपर एक्सर्ट होती है वो फोर्स, या तो इसको अपनी तरफ आकर्षित करती है या अपने से दूर भगाती है। तो ये तो हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स आती कहाँ से, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। लेकिन ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये भी हमने देखी ही होती है। अब बार मैग्नेट की बात करें
तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो इस मैग्नेट में एक खास बात होती है, इसके कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो ज्यादा खिंचाव देते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं दूसरे मैग्नेट को एज कम्पेयर टू दूसरे वाले कुछ हिस्से। तो ये जो हिस्से होते हैं जो ज्यादा आकर्षित करते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं, इनको हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। अगर इस मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक खास बात यहाँ पर ये होती है, इस बार मैग्नेट को अगर मैं बीच में से दो हिस्सों में काट दूँ, अगर मैंने इसको काट कर दो छोटी छोटी मैग्नेट बना दी, हम उसमें भी देखेंगे कि उसके पास भी दो पोल्स होंगे, दूसरा जो कटा हुआ हिस्सा होगा उसके पास भी दो पोल्स होंगे। तो एक मैग्नेट को आप जितने भी छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, हमेशा उसके पास दो पोल्स रहते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज की गई, लोगों ने ऐसा एक काम करके देखा कि ये बार मैग्नेट को लिया और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, यानी इसको लटकाया, इस तरह से लटकाया कि ये रोटेट होने के लिए फ्री टू रोटेट हो। जब ये रोटेट हुई तो इसमें ये देखा गया कुछ टाइम के बाद ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती थी, फिर से इसको रिफ्लेक्ट करके फिर से रोटेट करके हमने देखा, फिर जब इसको छोड़ दिया तो ये दोबारा से अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करती थी। ये जब हमें पता लगा कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रही है खुद को, एक हिस्सा इसका नॉर्थ की तरफ, एक हिस्सा साउथ की तरफ खुद को अलाइन ऐसे कर लेता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिससे हमें मैग्नेटिक कंपास को फॉर्म करने में भी आसानी हुई। नीचे वाली आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। आजकल तो हमारे स्मार्टफोन्स में भी होता है कि डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक कंपास हमें दिया जाता है। एग्जैक्टली ये है क्या, इसके अंदर एक नीडल है, नीडल और कुछ नहीं है, एक छोटी सी मैग्नेट होती है। इस ये जो मैग्नेट है इसे इस तरह से माउंट किया गया है कि ये फ्री टू रोटेट हो। तो जब भी ये फ्री टू रोटेट है इसमें देखा जाता है कि जब ये रेस्ट पर आएगी तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रेस्ट करेगी और इस तरह से हमें डायरेक्शन का पता लगता है। तो एक तो ये काम हुआ मैग्नेट। अभी हमने बात की थी कि जब हम दूसरे मैग्नेट को एक मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो या तो खुश होती है या पुल होती है, तो एग्जैक्टली ये फोर्स का रीजन क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फील्ड बन जाता है कि उस फील्ड में अगर हम एक दूसरा मैग्नेटिक मटीरियल लेकर आए तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो देयरफॉर अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। इसकी एक खास बात ये होती है कि इस मैग्नेटिक फील्ड वाली क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ के साथ एक डायरेक्शन भी होती है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर दिशा में पॉइंट करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, इन्हें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए, इन्हें हम ड्रॉ करते हैं ये पता लगाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के आसपास बना उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, यानी हम उस मैग्नेट से जितना दूर जाते रहें तो उस पर क्या असर पड़ेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बस यही पता लगाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अब हमें कैसे पता लगे कि किसी एक मैग्नेट के आसपास किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में आसान बात यह है कि हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत आसान सी एक्टिविटी होती है, हम एक मैग्नेट ने एक पेपर पर उसे रखते हैं और आसपास हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं, हम थोड़ा उसको देखेंगे तो ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। क्यों अरेंज करती हैं, हमारे पास ये जो बार मैग्नेट है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा जिसकी वजह से इन आयरन फाइलिंग्स पर फोर्स लग रही होगी, इस फोर्स की वजह से ये छोटी छोटी आयरन फाइलिंग्स अपने आप को पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अलाइन करेंगे, उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न देखने को मिल जाता है जो आप ये लेफ्ट वाली इमेज में देख पा रहे हैं। अगर हमें डायरेक्शन का पता लगाना हो किसी भी एक पॉइंट पे किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बहुत आसान तरीका होता है, हम एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, जैसे पहले बताया वो मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि अगर हम उसको यहाँ पर लेकर आते हैं और अलग अलग पोजिशंस पर रखकर देखते हैं तो हमें डायरेक्शन पता लगती रहती है मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ पोल की जो साइड होती है वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ करने के बाद पता लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बन रहा है वहां पर। बार मैग्नेट में ये देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम नॉर्थ पोल के पास जब अपने मैग्नेटिक कंपास को लाते हैं तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो इससे दूर भागता है, यानी अपोजिट दिशा में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन करते करते जब हम इस मैग्नेटिक बार के साउथ पोल के पास आते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल था वो इसकी तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है,
इस तरह से हमें डायरेक्शन के बारे में पता लगता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक सिमुलेशन दिखाना चाहती हूँ, इसको ऑब्जर्व करके शायद हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसे। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए हमारा आज का ये सेशन है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का जो ये चैप्टर है, टॉपिक है, ये मैम एक्सप्लेन कर रही हैं। हम मैम गीतांजलि, डॉक्टर गीतांजलि मल्होत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हमारे साथ जुड़ी हैं, और आप लोगों को इसको, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैम एक और प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिखा रही हैं। मैम, अगेन ओवर टू यू। जी मैम, ये जैसे हम देख पा रहे हैं एक इंटरैक्टिव सिमुलेशन है जिसे देखकर हम समझ पाएंगे कि जो मैग्नेटिक कंपास हमने लिया है किस तरह से खुद को इसकी नीडल अलाइन करती है। तो यहाँ पर हम इनसाइड द मैग्नेटिक बार भी देखेंगे और आउटसाइड भी देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो नॉर्थ पोल है उसके पास में अपने मैग्नेटिक कंपास को लेकर आ रही हूँ। इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है उसका जो लाल वाला हिस्सा है ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है और जो सफेद हिस्सा है वो साउथ पोल की तरफ करता है। आप देख पा रहे होंगे जब इस मैग्नेटिक कंपास को नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास ला रही हूँ तो वो इससे दूर भाग रहा है, और जैसे जैसे करके मैं इसको साउथ पोल की तरफ लेकर जाऊंगी तो मैं ये देखूंगी कि इसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। बस यही है जो हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बात की थी जिससे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और अगर मैं इनसाइड की बात करूँ, इनसाइड हम देख पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। बाहर हमने देखा नॉर्थ से इमर्ज हुआ, साउथ की तरफ कन्वर्ज हुआ और अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सिमुलेशन देखने के बाद हम ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या। और उसके बाद अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायग्रामेटिक व्यू में हमने एग्जैक्टली वही दिखाया जो अभी हमने सिमुलेशन में ऑब्जर्व किया था। हमारे पास एक मैग्नेटिक बार है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने दिखाए हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाई है। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे हैं। इनसाइड की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसमें ये जानने के बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझ में आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो ये क्लोज्ड कर्व्स है, दे आर नॉट ओपन, ये क्लोज्ड है। जैसे अभी आपको बताया था अगर नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आई, अंदर अगर मैग्नेट के जैसे हमने सिमुलेशन में देखा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, यानी कि ये क्लोज्ड कर्व्स बन रहे थे। इसके बाद एक और बात हमें पता लगती है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होती हैं, उन क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जहां पर ज्यादा डेंसिटी है, इसका मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। शुरू में भी मैंने आपसे बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फोर्स है वो पोल्स के पास थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? ये मैग्नेटिक फील्ड हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है। और हमें कैसे पता लगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक और हमारे पास में प्रॉपर्टी रहती है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? हम इमेजिन करके देख सकते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है, ऐसा होगा तो नहीं लेकिन हम सोच लेते हैं कि उस पॉइंट से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। अब मैं वहां से अगर उस पॉइंट के ऊपर लाकर एक मैग्नेटिक कंपास को रखूं तो उस कंपास की नीडल क्या करेगी? उसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अब मेरे पास तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब वो मैग्नेटिक कंपास जो मैंने रखा वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? वो एक बार में दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता, यानी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। अगर हमें ये बात समझ में आती है कि मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी और मैग्नेट को लेकर आए तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम पता कैसे लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को समझने में हमें आसानी मिलती है। अब आते हैं हमारा जो मेन थीम है इस डिस्कशन का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे हम हिस्ट्री ऑफ साइंस की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, ये एक साइंटिस्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिन्होंने 1820 में ये पता लगाया। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ये एक एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने देखा कि पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था और उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, इधर उधर अपने पॉइंट से हिल रही थी। इन्होंने सोचा ऐसा क्या है जो इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता लगा पाए कि
एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा है, वो अपने आस पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो के फोर्स की वजह से ये वाली नीडल जो कंपास की थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो यहाँ से एक बहुत नई बात हमें पता लगी थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आस पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है या फिर वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये एक नई डिस्कवरी थी, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से बोला जाता है, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा मिला। बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवरीज की गई इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI में ये वाली एप्लीकेशन यूज होती है। तो ये हमारे हिस्ट्री का ऐसा पार्ट था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांचेस सेपरेटली पढ़ी जाती थी, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो रिलेटेड फिनोमिना है, इन्हें साथ में पढ़ा जा सकता है। अब हमने बात की कि मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? अगर कंडक्टर को मैं अलग अलग शेप्स दे दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये जानने के लिए हम यहाँ पर तीन तरह की कंडीशंस लेते हैं। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट, मैंने एक कॉपर की वायर ली, बिल्कुल सीधी वायर, वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसका मैंने सर्किट कंप्लीट किया, उससे करंट पास करवाया, तब मैं ऑब्जर्व करूंगी कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। दूसरे केस में उसी स्ट्रेट वायर को मैंने एक सर्कुलर लूप की फॉर्म दे दी, उससे सर्किट कंप्लीट करके करंट पास करवाया, तब देखूंगी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना। और एक तीसरे केस में मैंने उसी कॉपर वायर से एक सोलेनोइड बना दिया। सोलेनोइड क्या होता है, इसकी बात हम आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे। बेसिकली हम बहुत फास्ट फास्ट इसको एक हेलिकल स्ट्रक्चर देके टर्न्स दे देते हैं बहुत सारी, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर से, यानी मैंने एक सीधी सी वायर ली, उससे करंट पास करवाया, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड या बेसिकली कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी, ये हम देखना चाहेंगे। तो फिर से अगर हम एक सिमुलेशन देखें तो हमें समझने में ज्यादा आसानी रहेगी इसको, जैसे मैंने कहा था कि ऑब्जर्व कर पाना ज्यादा आसान होता है। ये स्क्रीन पर विजिबल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा सर्किट तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, आसानी के लिए हमने कुछ हिस्से के सिमुलेशन में दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और बाय कन्वेंशन यहाँ पर करंट कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम करंट लेंगे, जो उल्टे हाथ के ब्लैक एरो से दिखाया गया है नीचे की तरफ। अब क्योंकि ये एक ऐसा वायर है, एक ऐसा कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रहा है, और अभी हमने देखा था कि एक ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप देख पा रहे हैं इस कंडक्टर के आसपास, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को शो कर रहा है। यहाँ पर हमने एक मैग्नेट ली है, मैग्नेटिक कंपास लिया है, जो हमें डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसका नोड को किस तरह से मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। अब अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स करके देखूँ, यानी कि करंट को मैं इस तरह से भेजूँ कि वो अभी जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो हम देखते हैं क्या होगा। अब आप देख सकते हैं हमने इसको रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बाय कन्वेंशन करंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हमारे जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी, लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हैं अब वो डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, यानी जो मैं इसके मैग्नेटिक कंपास के नीडल के लाल वाले हिस्से से दिखा रही हूँ, इसका जो नॉर्थ पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और ये हम देख सकते हैं पहले वाले से रिवर्स हो गया। ये सिमुलेशन हमें ऑब्जर्व करने में इट मेक्स इट इजियर टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन। यहाँ पर सेम चीज हम देख रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही है। इसको ऑब्जर्व करने का क्या तरीका होता है, सेम तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया, कंडक्टर लिया, उससे करंट पास करवाया, उसके आसपास हमने आयरन फाइलिंग्स अगर डाल दी, तो वो क्या करेंगी, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में खुद को अलाइन कर लेंगी, तो हमें पैटर्न पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यहाँ पर हमने दिखाया है, या तो मैं कंपास नीडल लेकर आऊँ तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का। ये जो सीधे हाथ पे हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक स्ट्रेट कॉपर का वायर लिया, कोई कंडक्टर लिया, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक बैटरी लगाई, एक की लगाई, जब उस की हम क्लोज करेंगे तो करंट पास होगा और उस तरह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसको हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल से यहाँ पर दिखाया है। इस डायरेक्शन को पता लगाने का एक आसान तरीका भी होता है, एक रूल दिया गया है जो कि राइट हैंड थंब रूल है।
राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, अगर हम जिस डायरेक्शन में जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अगर हम अपने सीधे हाथ पे थंब को पॉइंट करते हैं तो हमारी फिंगर जिस तरह से कर्ल होंगी वही हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कि किस तरफ का है। जैसे कि अभी आप हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स से वाई की तरफ यहाँ पर करंट का अगर फ्लो है, मैं अपने थंब को इस तरह से पॉइंट करूंगी कि वो एक्स की से वाई की तरफ पॉइंट करे, और फिर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगी तो मुझे पता लगेगा कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से करंट को रिवर्स कर देती यानी वाई से एक्स की तरफ होता तो मैं अपने थंब को अपवर्ड पॉइंट करती और अब मैं देख सकती हूँ कि पहले से रिवर्स है हमारी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कह सकते हैं कि एक बार में आप क्लॉकवाइज था, एक बार में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये राइट हैंड थंब रूल मैम बहुत आसान बनाता है हमें डायरेक्शन को पता लगाने में जबकि एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की बात मैम ने समझाई, इसमें इस टॉपिक पे मैम और भी बहुत कुछ हमारे कुछ पॉइंट रह जाते हैं जो कवर करने हैं। जी मैम बिल्कुल, लेकिन शायद वक्त अब और इजाज़त नहीं दे रहा है, हमें इसका पार्ट टू किसी और सेशन में भी लेना होगा क्योंकि अभी जो है हमें समय को भी ध्यान में रखना है। तो अभी आपने जो सेशन में बच्चों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया, थैंक यू सो मच मैम फॉर द सेम। और हमें उम्मीद है कि इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी हमारी जो क्वेरीज रह गई हैं, जो भी पोर्शन रह गए, हम उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जितने भी पॉइंट मैम ने बताए आप उसको नोट डाउन करिए, पेन डाउन करिए, क्योंकि क्लास टेंथ है और बोर्ड में ये सारे ही पॉइंट रिकॉल करने में रिवीजन के समय काम आएंगे और इसके अलावा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में भी ये पॉइंट बहुत काम आएंगे। इसी के साथ अपना बहुत ध्यान रखिए, मन लगा के खुशी से पढ़िए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।